हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्मोलॉजीज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने टर्मोलॉजीज स्टार्ट कर दी थी और ये टर्मोलॉजी आपके अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग टर्मोलॉजी देखने वाले कैपिटल। अब यहां पर कैपिटल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, पहले मुझे आप वो बताइए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताने की कोशिश की थी, कैपिटल का मतलब होता है यहां पर एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय ओनर, ठीक है, इज कॉल्ड एज कैपिटल। यानी जब कोई भी पैसा या किसी भी तरीके का पैसा या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट ओनर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल। अब ये इन्वेस्टमेंट वो दो तरीके से कर सकता है, या तो वो कैश के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा या तो वो असेट्स में इन्वेस्ट करेगा। दोनों में से इट डिपेंड्स ऑन ओनर टू ओनर कि वो कैसा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है। कुछ ओनर ऐसे होते हैं जिनके पास असेट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो वही असेट को क्या करता है, लेकर आने की कोशिश करते हैं। इस असेट्स को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी में डील करता है, डायरेक्टली वो प्रॉपर्टीज लेकर आ जाता है, तो ओनर क्या करता है, सीधा कैपिटल। तो एनी ऑफ द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर Into the business is called as capital। कोई भी पैसा, कितना भी assets, कितने भी cash, कितने भी bank assets, ये जितने भी पैसे वो लाकर business में लगाएगा, उस business को हम लोग क्या, पर लगे हुए पैसे को, उस लगे हुए capital को, उस particular assets को हम लोग क्या कहने वाले, capital कहने वाले हैं। तो जो भी पैसा enduring यानी business start होने के time पर, यानी business में तीन phases होते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट होने के टाइम पर अगर वो पैसा लेकर आता उसे क्या कैपिटल कहा जाएगा, बिजनेस रनिंग बिजनेस में भी वो अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे भी कैपिटल कहा जाएगा, और अगर बिजनेस बंद हो गया है और बिजनेस बंद होने के बाद टाइम पर, ठीक है, बिजनेस बंद होने के टाइम पर बाहर वालों की लायबिलिटी पे करने के लिए भी उसने अपने पर्सनल असेट्स, पर्सनल वगैरह सारी चीजों को बेचकर पैसा लाकर उसने बाकी की लायबिलिटी पे ऑफ की है, तो भी उसे कहीं ना कहीं क्या कहा जाएगा, कैपिटल कहा जाएगा। यानी बिजनेस के अंदर कैपिटल स्टार्टिंग में भी आ सकता है, थ्रू आउट द ईयर भी आ सकता है, बिजनेस चलते हुए रनिंग बिजनेस में पैसा आ सकता है। तो कैपिटल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये हो गया पहला। सेकंड, अकाउंटेंसी में इसे कहते हैं एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी, ठीक है, ओवर लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज वगैरह क्या होता है वो आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। लायबिलिटीज क्या होती है वो भी हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि वहां पर सारी टर्मोलॉजीज आएगी। असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, वो सारी चीजें। एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी मतलब कैपिटल को उन्होंने अकाउंटेंसी में ऐसा कहा कि कैपिटल इज इक्वल टू टोटल हमारी जितनी असेट्स है कि उसमें से आप लायबिलिटी माइनस कर दो तो आपको कैपिटल देखने के लिए मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दूं तो आप ऐसा समझो कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, आपने जितनी भी कंपनी की प्रॉपर्टीज खरीदी है, आपकी कंपनी में जितनी भी प्रॉपर्टीज है, या आपके पास ऐसा कोई पैसा जो फ्यूचर में आने वाला है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज में से अगर आपने कोई कर्जा, जिसको हम लोग बोरोड कहते हैं, बोरोइंग्स बोलते हैं, तो अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो आपको कैपिटल मिलेगा। अरे मान लो आपने बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया, मान लो आपने बिजनेस में कितना लगाया, 10 लाख रुपया लगाया, तो क्या उस 10 लाख को कैपिटल बोलेंगे, यस 10 लाख को कैपिटल कहेंगे। और इस बिजनेस को चलाने के लिए आपने लोन भी लाया, लोन कंपनीज के लिए लोन भी लेकर आया, तो टोटल 25 लाख का लोन आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, लोन हो गई, ये बोरोइंग्स हो गई, ठीक है। अब ये पैसा आपने कहां लगाया, ये 35 लाख रुपए आपने कहां लगाया, कंपनी के आपने असेट्स खरीदे, लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, आपने प्लांट खरीदा, आपने मशीनरी खरीदा, आपने स्टॉक खरीदा, आपने अपने डेटर्स को क्रिएट किया, एंड सो ऑन, ऐसा चलते रहेगा। तो कंपनी क्या कहते हैं, टोटल असेट्स में से अगर आप लायबिलिटी माइनस करो तो कैपिटल मिलेगा, वही बात हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी करते तो भी कैपिटल मिल जाएगा, और प्रॉपर्टी माइनस बोरोइंग, यानी असेट को सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, और लायबिलिटी मतलब क्या होता है, बोरोइंग। इस बोरोइंग को और सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो लोन बोल सकते हैं, कि लोन हमने कर्जा लिया होगा तो उस लोन को आप माइनस कर दो तो भी आपको क्या मिलेगा, कंपनी की कैपिटल मिलने वाली है।
आई होप आपको कैपिटल में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब हम बात करने वाले ड्रॉइंग्स की। आपको पता है ड्रॉइंग्स क्या होता है? नहीं, हमने सिर्फ ड्रॉइंग शब्द का नाम सुना है, जो हम लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें आपने सुना होगा ड्रॉइंग का नाम, लेकिन एक्चुअली में ड्रॉइंग क्या होता है? अकाउंटेंसी लैंग्वेज में क्या होता है? अकाउंटेंसी लैंग्वेज में क्या होता है कि ड्रॉइंग का मतलब होता है एनी अमाउंट, ठीक है, आइदर इन कैश, पैसा क्या कैश में निकालो, एनी अमाउंट या काइंड, ठीक है, एनी अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस, यानी कोई भी पैसा विड्रॉन बाय ओनर, कोई भी पैसा अगर ओनर क्या करता है, विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, कौन से यूज के लिए बेटा? पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। क्या कहते हैं हम लोग? ड्रॉइंग। मतलब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, आपने अपने LIC प्रीमियम भरी। LIC प्रीमियम मतलब क्या? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आपने अपने जिंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? LIC भरा। क्या माना जाएगा? ड्रॉइंग भरा। आपका बेटा या आपकी डॉटर, ठीक है, सन और डॉटर दोनों में से कोई भी, अगर आपने उसके ट्यूशन फीस भरी, क्या भरी आपने? उसकी ट्यूशन फीस भरी, आपने उसके कॉलेज की फीस भरी, आपने उसके स्कूल का कोई खर्चा उठाया, आपने उसको किसी तरीके का गिफ्ट दिया, आपने घर के रेंट पे किया, रेंट फॉर हाउस, आपने घर का रेंट पे किया, ठीक है। तो ये जितनी भी तरीके से हमने, यानी ये जो पैसा है वो बिजनेस का पैसा है, अगर हमने बिजनेस के पैसे को अपने ऊपर खर्चा किया, बिजनेस के पैसे को अगर हमने अपने ऊपर खर्चा किया, तो उसे कहेंगे ड्रॉइंग। यानी एनी ऑफ द अमाउंट विच इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी मैंने मेरे ऊपर खर्चा किया, मैंने मेरे परिवार के ऊपर खर्चा किया, तो अगर मैं मेरे परिवार या मेरे ऊपर खर्चा करता, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉइंग कहेंगे। अगर आपने एक गाड़ी खरीदी है, कार खरीदी है, और उस कार में ऐसा है कि उस वो गाड़ी क्या होती है, मंडे से लेके सैटरडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये मंडे से लेके सैटरडे तक ये ऑफिस का काम संभालती है, ठीक है, और संडे के दिन आप क्या करते हैं, अपनी फैमिली को उस गाड़ी में बैठा के आप उसको घुमाने के लिए, फैमिली को घुमाने के लिए लेकर जाते हो, तो इसका मतलब संडे का दिन किसके लिए रहता है? फैमिली के लिए रहता है। तो इसका मतलब उस पूरे महीने में से 4 संडे का जो एक्सपेंस आएगा उस गाड़ी का, उस पूरे महीने में जो चार संडे के एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। उस 4 संडे के एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। अरे हमने मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा गाड़ी में क्या किया? डिलीवरी वगैरह का काम किया, ऑफिस का काम किया, तो वो ऑफिशियल पर्पज हो गया। लेकिन वही गाड़ी का इस्तेमाल अगर हम संडे को हमारी फैमिली के लिए करते हैं इस्तेमाल, तो वो जो एक्सपेंस होगा, उस दिन का जो खर्चा होगा, उस दिन का जो भी एक्सपेंसेस आएगा, वो सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। एक और तरीके से, हमारा टेलीफोन का एक्सपेंस है, टेलीफोन का नाम तो आपने सुना होगा, मोबाइल एक्सपेंसेस या टेलीफोन। हमने एक सिम कार्ड खरीदा हुआ है, उस सिम कार्ड में हम क्या करते हैं? 400 रुपए महीने का भराते हैं, ऐसा मान लो 300 रुपए हम लोग महीने का भराते पर मंथ। हमारे कस्टमर से डील करने के लिए कस्टमर रिलेशन मैनेजर को हमने बोला कि आप खर्चा करो, ठीक है, आप हमारा क्या करो, आप हमारे कस्टमर्स को डील करो, ठीक है। वो क्या करता है, मंडे से लेके सैटरडे तक पूरा का पूरा काम का उस मोबाइल पे करता। संडे के दिन क्या होता है, हमने उसमें पैक भराया हुआ ना 300 रुपए का अनलिमिटेड कॉलिंग का, तो संडे को मोबाइल घर पे रहा, लेकर आ गया मेरी वाइफ ने या मैंने क्या किया, दिन भर बात कर रहा हूं अपने रिलेटिव से बात कर रहा हूं, तो वो संडे का जो एक्सपेंसेस होगा ना, वो संडे का एक्सपेंसेस मैंने क्या किया, ऑफिशियल यानी ऑफिशियल मोबाइल फोन का इस्तेमाल मैं क्या के लिए कर रहा हूँ, पर्सनल इस्तेमाल के लिए कर रहा हूँ, पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा हूँ, तो उस संडे का जो एक्सपेंसेस आएगा, उस संडे का एक्सपेंसेस यानी मुझे निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 300 रुपया एक महीने का, मतलब 30 डेज, तो एक दिन का कितना होगा? 10 रुपया, 4 संडे इस्तेमाल किया तो 40 रुपया आपका क्या हो गया? ड्रॉइंग हो गया। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस क्या होता है? ड्रॉइंग होता है। यानी बिजनेस के किसी भी तरीके की चीजों को आपने क्या किया? पर्सनल इस्तेमाल के लिए किया, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले? ड्रॉइंग कहने वाले है। और ये दो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बेसिक्स के हिसाब से भी। उम्मीद करता हूं कि ये दो टर्मोलॉजी में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।